साथियों, यदि आपके भी इस तरह के खड़े टेढ़े हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, पूरे 90 डिग्री में टेढ़ी गई है। इस तरह से खड़े टेढ़े में कभी भी बीमारी बढ़ पाता है। यहाँ देख पा रहे, बहुत ही ज़्यादा झाड़। यदि हमें इसमें प्रूनिंग करनी है तो इस तरह से 4 से 6 इंच के जितने कर्वलिटलस है उन्हें ना टॉप करें और ना ही रिमूव करें। यदि आप इन्हें टॉप मारते हैं तो ये अगले साल के लिए इससे 4 गुना ज़्यादा खुराक खाते हैं और इस तरह से लकड़ी तैयार होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें 2 साल पहले यहाँ कट मारा हुआ है। जूम करके दिखाए थोड़ा इस वाली टहनी को, और 1 साल पहले यहाँ कट मारा ही हो तो यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी जो है 10 फुट ग्रोथ गई है इसमें। यदि आपने शूट में टॉप या रिमूव करना है शूट, तो उसे नीचे रिंग से ले। यहाँ देख पा रहे हैं आप, जहाँ बीमा है या 4 से 6 इंच का जो लिटर्स निकला हुआ है, यहाँ से शूट को काटे ताकि बीमा मजबूत बने। इसमें फसल तो भी आएगी इन ऐसे खड़ो टेढ़े में। यदि हम 4 से 6 इंच के जितने अगर भी लिटर्स है, यदि हम उन्हें नहीं काटते हैं, यदि आप रिमूव करते हैं तो इसमें ना के बराबर फसल आती है, क्योंकि बीमा ही नहीं बन पाता है। खड़े टेढ़े में कभी भी बीमा नहीं बन पाता है। पौधे को पहले से इस विधि से ट्रेन करें ताकि पूरे पौधे में धूप पहुंचे। इसलिए हर साल बागवान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और जो फसल बिल्कुल जीरो आ रही है। तभी कहते हैं कि भाई सबसे मेन प्रूनिंग होती है। जब तक बागवान प्रूनिंग में ध्यान नहीं देगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, एक टहना है बीचों बीच जा रहा है, उल्टा झाड़ कर रहा है। ना तो इसमें बीमा बनेगा और ना बन पाएगा। यहाँ देख पा रहे आप, जो ऐसे ऐसे जो रॉन्ग साइड को जो टहने जाते हैं, सबसे ज़्यादा झाड़ ये करते हैं फलदार पौधे में। जैसे जी यहाँ है, यहाँ 4 इंच का जो पिन था उसे मैंने ऐसे ही रखा ताकि इसमें ये जो बीमा है ये हेल्दी बन सके। यदि आप कभी इस तरह का प्लांट है, प्लांटों में खड़े टहने हैं, तो उनकी जो प्रूनिंग इस तरह से करें। तो मैं आगे वाली टहनी काट रहा क्योंकि हमने अब उसको ऊपर नहीं ले जाना, एक्सपल कट से बाहर टहने को लाना ताकि प्रॉपर धूप अंदर आए। देख पा रहे, खड़े टेढ़े में बीमा बहुत कम बनता है, ना के बराबर बनता है। यदि आप इस तरह से झाड़ पाड़ते हैं तो हर साल आप लकड़ तैयार कर रहे हैं, आप लकड़ पाड़ रहे हैं। फसल ना लगने का मेन कारण ये भी रहता है कि भाई यदि पौधे को गलत विधि से ट्रेन किया जाए इस तरह से, तो पौधे तो आपके पास होंगे 1000, आप पेटियां निकाल रहे हैं 500, तो इतने बड़े पौधे से एक पेटी की एवरेज भी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं बागवान गलती खा रहा है।